हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। ऑप्शन ए इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स पेयर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन बी इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स सिलिएटेड एपिथेलियम, ऑप्शन सी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड ऑप्शन डी ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें करेक्टली मैच्ड पेयर को चूज करना है। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज एपिथीलियल सेल्स। सो एपिथीलियल सेल्स क्या होती हैं? ये सेल्स क्या करती हैं? ये लाइन करती हैं एपिथीलियम को और ये फॉर्म करती हैं हमारा एपिथीलियम। एंड एपिथीलियम जो होता है इट लाइन्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। सो ये ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स को बेसिकली लाइन करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास एपिथीलियम होती हैं। सो इट कुड बी स्क्वामस एपिथीलियम। अनदर एग्जाम्पल इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम। आफ्टर क्यूबॉइडल एपिथीलियम वी हैव कॉलमनार एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम एंड ग्लैंडुलर एंड ट्रांजिशनल एपिथीलियम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिथीलियम वी हैव। डिफरेंट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें गिवेन है विच इज इनर सर्फेस ऑफ ब्रोंक्योल्स। सो इनर सर्फेस ऑफ ब्रोंक्योल्स जो है इसकी पेयरिंग करी हुई है हमारी स्क्वामस एपिथीलियम। सो स्क्वामस एपिथीलियम, सो जो हमारा इनर सर्फेस ऑफ ब्रोंकियोल्स होता है ये लाइंड होता है विद सिंपल कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स। सो इसकी लाइनिंग होती है विद सिंपल कॉलमनार सेल्स एंड ये क्या करता है, ये म्यूकस मूवमेंट्स में हेल्प करता है। सो जो हमारी पेयरिंग की हुई है ये गलत है, देयरफॉर दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स। सो इसकी पेयरिंग हमारी की हुई है विद इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स एंड इसकी पेयरिंग की भी हुई है विद सिलिएटेड एपिथीलियम। सो जो हमारी इनर लाइनिंग होती है ऑफ सलाइवरी डक्ट्स ये लाइंड होती है विद सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स। सो इसकी लाइनिंग होती है विद सिंपल कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स। सो देयरफॉर ये वाली जो पेयरिंग है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है विच इज मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड इसकी जो पेयरिंग की हुई है ये की हुई है विद ग्लैंडुलर एपिथीलियम। सो जो हमारी बकल कैविटी होती है ये लाइंड होती है विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारी जो स्क्वामस एपिथीलियम होता है उसका एक स्पेसिफाइड वर्जन होता है एंड ये क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बकल कैविटी को अगेंस्ट अब्रेशन। सो अब्रेशन से बचाता है ये बेसिकली। एंड ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं जो हमें गिवन है विच इज ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। सो ट्यूब्यूलर पार्ट पूछा है नेफ्रॉन्स का एंड इसकी जो पेयरिंग है उसको उसकी पेयरिंग की गई है विद क्यूबॉइडल एपिथीलियम। सो क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट पेयरिंग बिकॉज जो हमारा नेफ्रॉन की लाइनिंग होती है ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन्स का वो क्यूबॉइडल सेल से ही क्यूबॉइडल एपिथीलियम से ही लाइंड होता है एंड इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो ये वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन।
सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल एपिथीलियम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.